नोएडा के सेक्टर 63A में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी वन महोत्सव के दौरान आज वृक्षारोपण जन आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि नोएडा विधायक पंकज सिंह, MLC श्रीचंद शर्मा, नोएडा प्राधिकरण की CEO रितु माहेश्वरी, जिला अधिकारी सुहास LY, प्रभागीय वन अधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के द्वारा वृक्षारोपण करके कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया, जिसमें 20,000 पौधों का रोपण किया गया। इस तरह जनपद गौतम बुद्ध नगर की चारों रेंज में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इसी दौरान संवाददाता निशान शर्मा ने की रेंज वन अधिकारी किताब सिंह से विशेष बातचीत। नोएडा के सेक्टर 63A स्थित हम यहाँ पर जो है वन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी विशेष जो है जानकारी देने के लिए हमारे पास रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर श्री किताब सिंह जी मौजूद हैं। आइए पूरी जानकारी जो है प्राप्त करते हैं कि महोत्सव का जो समय अवधि है वो कितने से कितने दिनों तक ये पूरी की जाती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। सर आज जिस तरीके से जो है हर हर साल जो है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है, तो आज यहाँ पर किस तरीके का कार्यक्रम किया गया? इसकी बात इस वर्ष भी 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 30 करोड़ पौधों का रोपण कार्य करवाना है, जिसमें 25 करोड़ पौधे आज के दिन लगाए जाने हैं एक दिन में 4 जुलाई को। उनमें 63A जो क्षेत्र है ये नोएडा अथॉरिटी का क्षेत्र है, जिसमें वन विभाग पौधे रोपित कर रहा है। इसमें पूर्व में 30,000 पौधों का रोपण किया जा चुका है और इस वर्ष इसमें 20,000 पौधों का रोपण किया जा रहा है, जिसमें 10,000 पौधे विभिन्न इंडस्ट्रियल प्रजाति के हैं और 6,000 पौधों का एक औषधीय वन बनाया जा रहा है, जिसमें 12 स्पेसीज हमारे द्वारा लगाई गई हैं। 12 बड़ी स्पेसीज हैं, 12 मेडिसन प्लांट की स्पेसीज हैं, 24 स्पेसीज का इसमें प्लांटेशन किया जा रहा है। तो सर ये जो जनपद गौतम बुद्ध नगर है ये कितने जो है अभी रेंज में बनाया जा रहा है, कितनी तहसीलों में आज जो है? नहीं, हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर में 4 रेंज काम करती हैं जी। उन 4 रेंज में एक दादरी रेंज है जी, और एक सिकंदराबाद रेंज है, एक NTPC रेंज है और एक ओखला पच्ची विहार रेंज है। चारों रेंजों में बराबर मनाया जा रहा है सभी रेंजों में। ये जो रेंज है जहाँ हम मौजूद हैं ये कौन सी रेंज है? ये दादरी रेंज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दादरी रेंज नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की रेंज है जी। दादरी रेंज के अंतर्गत आता है। सर जिस तरीके से मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जितने भी ये जो स्पेस है जिस तरीके से वृक्ष रोपण यहाँ हो रहा है सर काफ़ी बड़ी रेंज है काफ़ी, तो देखभाल के लिए कैसे मतलब यहाँ पर आप? नहीं, विभागीय जो नॉर्म्स हैं उनके अनुसार इसमें जो कार्य करने वाले लोग हैं, वन रक्षक रहते हैं, फॉरेस्टर रहते हैं, उसके बाद मैं रहता हूँ, मेरे सीनियर ऑफिसर श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी का जो मैनेजमेंट है वो एक बेहतरीन मैनेजमेंट है। उनकी प्रेरणा से हम लोग इस गौतम बुद्ध नगर को हरा भरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक वृक्षारोपण की इसकी बात है तो ये कि एक अद्वितीय वृक्षारोपण है इस क्षेत्र के लिए। शहर के बीचों बीच में एक अद्वितीय वृक्षारोपण है जहाँ 50,000 पौधे अगले साल तैयार हो जाएंगे। सर जैसा कि जो है खुला एरिया है तो कभी कोई घातक कोई जानवर का यहाँ पर नहीं हुआ है? आज तक कोई नहीं हुआ, न कभी होगा। और हम इसको आज श्री नोएडा 30 की CEO मैम श्रीमती रितु माहेश्वरी जी ने कहा है कि इसको कुछ और डेवलप करें, उनके द्वारा भी ये कहा गया है। तो जैसा कि आप सर काफ़ी जो है हरियाली के बीचों बीच रहते हैं तो क्या कुछ जो है सकारात्मक कुछ विचार यहाँ पर मिलने देखने को मिलते हैं? पूरे कोविड काल में हम लोगों को, हमने ऑक्सीजन की भी ड्यूटी की है, पूरे कोविड काल में सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरह से काम किया और हमको एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है इन वृक्षों के बीच में, प्रकृति के बीच से। और आप देख रहे हैं मेरी उम्र कितनी है सर, उसके बावजूद मैं जैसा कि जो है वृक्षों को काटने को लेकर जो है देखा जाता है कि वृक्ष काटे जा रहे हैं, वृक्षों की जो कमी है वो अधिक मात्रा में देखने को मिल रही है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? नहीं, मैं तो सभी लोगों से ये कहूँगा कि वृक्ष जीवन, जीवन वृक्ष हैं। और ये कोरोना काल में सभी को विदित हुआ होगा कि एक ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमत क्या रही है जी।
एक एक पेड़ अपने जीवन काल में कितना ऑक्सीजन देता है, कितने लोगों को ऑक्सीजन दे जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सारे लोगों से, अपने देशवासियों से, सभी से, कि माननीय जी योगी जी और मोदी जी के संकल्प को पूर्ण करें और उसमें सारे विभागीय लोगों का सहयोग करें और उनके माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निःशुल्क पौध वितरण का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका लाभ लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। थैंक यू। इस वर्ष भी गौतम बुद्ध नगर जनपद में वन महोत्सव मनाया जा रहा है जो कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चलना तय है। इसी दौरान मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लांटेड बाई श्री पंकज सिंह जो लिखा हुआ है, ये यहाँ के दरअसल विधायक हैं, नोएडा के विधायक हैं श्री पंकज सिंह, उनके द्वारा ये वृक्ष लगाया गया है। और बिल्कुल ऐसे ही हर किसी ने अपना यहाँ पर एक जो बोर्ड है वो लगा रखा है। ये श्रीचंद शर्मा जी हैं जो कि MLC हैं, ये उनके द्वारा लगाया गया है वृक्ष, जैसा कि आप देख रहे हैं सुहास LY जिला अधिकारी, तो ये उनके द्वारा जो है वृक्ष लगाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर कई जो है बोर्ड जो है देखने को मिलेंगे और जिससे कि ये पता लग रहा है कि किस अधिकारी ने कौन सा वृक्ष यहाँ पर लगाया है। ये श्री प्रमोद कुमार है, प्रभागी है वन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर। तो इसी तरीके से काफ़ी जो बोर्ड देखने को आपको मिल रहे हैं, ये सभी गणमान्य जो अधिकारी हैं और जो विशिष्ट जो यहाँ के विधायक और MLC हैं उनके द्वारा यहाँ पर वृक्ष रोपण किया गया है। तो आज 4 जुलाई थी, जिस तरीके से दादरी रेंज में यहाँ पर जो है वन महोत्सव के दौरान यहाँ पर जो है वृक्ष रोपण किया गया है। हमारे साथ जो है बात करने के लिए मौजूद थे यहाँ दादरी रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर श्री किताब सिंह जी, उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। हालांकि ये 3 दिन अभी और चलना शेष है, कितने वृक्षारोपण की जो संख्या है वो कितनी तय की गई है ये अभी देखना शेष है। शर्मा, सक्षम न्यूज़ इंडिया।